एंड्रॉयड 11 का पिक्सल एक्सपीरियंस का अपडेट मिलना शुरू हो चुका है बहुत सारे Redmi, MI और Poco के डिवाइसेज के लिए। और अभी मैंने इसी अपडेट को अपने Redmi के K20 Pro के अंदर डाल रखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा इसी अपडेट के बारे में कि आपको क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ ये जो अभी अपडेट आ रहे हैं सभी डिवाइसेज के लिए वो एक बीटा अपडेट है, ना कि फुल्ली स्टेबल अपडेट। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी भी आपको देखने को मिलेगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ अभी प्रॉब्लम इसके अंदर है और अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो कौन से ऐसे स्टेप आपको फॉलो करने होंगे ताकि आप इसका बेनिफिट ले पाओ स्टॉक एंड्रॉयड के साथ एंड्रॉयड 11 का बेनिफिट। तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच करेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इसके अबाउट पे, जहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को नहीं 11 देखने को मिलता है, क्योंकि 10 के बाद अब 11 का अपडेट आना शुरू हो चुका है जो कि अभी फिलहाल कुछ ही डिवाइस को सपोर्ट करता है, जिसका मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको दे दूंगा। यहाँ पे 5 नवंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट आपको सितंबर 1 का दिखाई देता है। यहाँ पे प्रिफ का ऑफिशियल कर्नेल है जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के लिए डिफरेंट होने वाला है। बिल्ड नंबर यहाँ पे 2 दिसंबर का देखने को मिलता है, तो ये जो बिल्ड नंबर है ये भी डिफरेंट रहेगा अलग अलग डिवाइसेज के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो बीटा का टैग लगा हुआ है ऑफिशियल के साथ। यहाँ पे आप टैग करके इसके डेवलपर के ऑप्शन को ऑन कर सकते हो, जहाँ से आप फ्री फॉर्म का जो ऑप्शन है यानी फीचर्स है उसे आप एक्टिवेट कर पाओगे और फ्री फॉर्म के मल्टीटास्किंग को आप यूज करके इसका फुल बेनिफिट ले पाओगे, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से। और ये अच्छे से काम भी करता है, तो आप मल्टीटास्किंग और ज़्यादा बेटर कर सकते हो इस फीचर्स के होने के वजह से। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है मल्टी यूजर्स और यहाँ पे अपडेटर, जहाँ से आप OTA अपडेट चेक कर पाओगे नेक्स्ट टाइम के लिए। यहाँ पे एंड्रॉयड 11 का आपको नेबार वगैरह देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से आपका है जो काम करता है, जो कि सिमिलर है एंड्रॉयड 10 जैसा। यहाँ पे पॉपअप कैमरा सपोर्ट करता है K20 Pro, तो उसके साउंड्स आपको मिल जाते हैं ऑन ऑफ करने का। तो अगर मैं अपने कैमरे के ऊपर आता हूँ और सेल्फी इनेबल करूँगा तो इस तरीके से आप साउंड को चेंज कर पाओगे, जो कि मैं अभी फिलहाल यहाँ पे कर पा रहा हूँ। साथ साथ LED इफेक्ट आना चाहिए नहीं, वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आपको मिलता है एसेसिबिलिटी, जहाँ पे वही कॉमन से आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और थोड़े बहुत यहाँ पे इंप्रूवमेंट किए गए हैं, जैसे कि लाइव कैप्शंस वगैरह हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, साउंड एम्पलीफायर हो गया और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिला है ये अच्छे से काम करता है, तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आया है। बट सम टाइम किसी किसी डिवाइस के अंदर ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 3 टाइम ट्राई करना पड़ा तब जाके एक काम किया है, तो कभी कभी 1 टाइम में काम कर जाता है जैसा कि आप देख रहे हो, और कभी कभी आपको 2 या 3 टाइम ट्राई करना पड़ेगा। तो फिंगरप्रिंट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है K20 Pro डिवाइस के अंदर, जबकि जिसका फिंगरप्रिंट आपको पीछे देखने को मिलता है उनमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फेस अनलॉक अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो आपको इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एंड्रॉयड 10 जब आया था उसमें भी फेस अनलॉक नहीं था, बाद में ऐड किया गया था। साउंड के अंदर आते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पे MI साउंड इन्हेंसर, जहाँ पे हाईफाई का इफेक्ट आपको मिलता है और डिफॉल्ट जो मिल जाते हैं उसका भी आपको यहाँ पे मिल जाता है इफेक्ट, जिसका आप बेनिफिट ले पाओगे। यहाँ पे वाइब्रेट फॉर कॉल देखने को मिल जाएगा, लाइव कैप्शन आपको देखने को मिल जाता है, सारे सो मीडिया का भी एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिलता है डार्क मोड, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, आप नाइट मोड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। वॉलपेपर के अंदर आपको नया लुक एंड स्टाइल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप ओल्ड पिक्सल से कंपेयर करोगे तो इसका डिफरेंट लुक था, जबकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है जो कि डिफॉल्ट है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है जो कि आप बदल सकते हो अपने मर्जी के अनुसार, और आई पे टैप करके इसके डिटेल भी आप चेक कर पाओगे और कस्टम थीम्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा वॉलपेपर पे आते हैं तो इसका भी जो स्टाइल्स है शो होने का ये भी चेंज हो चुका है, जो कि पहले हमें डिफरेंट वे में देखने को मिलता था। आप जिस टाइप से थीम या वॉलपेपर यहाँ पे यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, जहाँ पे कुछ लाइव आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ नॉर्मल से देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको UI में चेंज दिखाई देता है, जैसे कि होम स्क्रीन और यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन, तो किसी भी वॉलपेपर को अप्लाई करने से पहले आप उसका प्रीव्यू चेक कर पाओगे कि वो कैसा नजर आएगा आपके फ़ोन के अंदर, चाहे वो आपका लॉक स्क्रीन हो या होम स्क्रीन हो। इसमें थोड़े से कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हो, जो कि हमें पहले भी देखने को मिलता था, बस यहाँ पे लुक वाइज में बदलाव लाया गया है। कलर बूस्ट भी हमारा काम करता है और लॉक स्क्रीन से रिलेटेड जो ऑप्शन मिलते हैं ये भी वर्किंग है, और K20
20 प्रो का OLED डिस्प्ले है, इसलिए आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन भी यूज कर पाओगे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा जो मज़ा आता है इसे यूज करने पे। लेकिन अगर आपका OLED डिस्प्ले नहीं है अदर डिवाइस के अंदर तो आपको इसे ऑफ करना होगा, अदरवाइज बैटरी ड्रेन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एंटी फ्लिकरिंग देखने को मिलता है जो कि काम करता है, डबल टैप टू बैकअप यहाँ पे आपको वर्किंग मिलता है, और नोटिफिकेशन के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है जो कि हमारा पॉपअप का फ्लोटिंग विंडो है। तो अगर आप यहाँ पे बबल्स इनेबल करते हो तो हर एक ऐप्स का नोटिफिकेशन कुछ इस टाइप से आएगा जिससे आप है जो इस तरीके से यूज कर पाओगे, जैसा कि हमें देखने को मिलता है फेसबुक के मैसेंजर ऐप के साथ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बट समटाइम यहाँ पे काम करता है और समटाइम काम नहीं करता है, क्योंकि अभी ये स्टेबल में नहीं आया है, बीटा में आया है, तो कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत मुझे देखने को मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी फिक्स हो जाएगा ताकि हम अपने मर्जी अनुसार इसे यूज कर पाएंगे, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप एक्टिवेट कर रखा है बट फिलहाल ये दिक्कत कर रहा है मुझे, तो मैं अभी यहाँ पे आपको डेमो के रूप में दिखा नहीं पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे आपका वो वाईफाई अच्छे से काम करता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बस आपको वो वाईफाई कॉलिंग इनेबल करना है और अपने डायलर पे आके आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और जियो का कॉलिंग भी वर्किंग है और ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह का भी आप बेनिफिट ले सकते हो, इसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे मैंने जियो का टेस्ट किया कॉलिंग, तो यहाँ पे आप वीडियो कॉल का भी बेनिफिट ले पाओगे, नो इशूज, डायलर से वीडियो कॉल वर्किंग आपको मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरा जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है, एक सिंपल सा कैमरा है जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के लिए डिफरेंट कैमरा मिलेगा, बट इसका एक प्रॉब्लम है कि आप जब भी कोई फोटोज क्लिक करोगे वो आपका सेव नहीं होता है, यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको दूसरा ही फोटो देखने को मिलेगा, जो कि मुझे प्रॉब्लम लगा। और आप देख सकते हो टैब भी नहीं काम कर रहा है, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट कैमरा है वो थोड़ा सा बगी है। तो आप यहाँ पे कैमरा यूज करना चाहते हो तो आप 8.0 का कैमरा यूज कर सकते हो, जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है फुल्ली वर्किंग, और साथ साथ आप फोटोज वगैरह भी क्लिक कर सकते हो। और एक K20 Pro के लिए स्पेशली अवेलेबल है, जिसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया है, तो आप आई बटन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको इसका वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आप इसे डाउनलोड करके यूज कर पाओगे। तो इस कैमरे की हेल्प से आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, फोटोज भी क्लिक कर सकते हो, यानी अपने जो कैमरे का जो प्रॉब्लम है ना उसे आप फिक्स कर सकते हो और फुल बेनिफिट ले पाओगे। इसे मैंने रूट किया है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप रूट यूजर्स हो या नॉन रूट यूजर्स हो, लेकिन रूट करने के बाद भी आपका नेट सेफ्टी पास रहने वाला है, तो आप बैंकिंग के ऐप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जो हमारा प्ले स्टोर है ये भी आपको सर्टिफाइड देखने को मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो गूगल कार्ड है ये अच्छे से काम करता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, और L1 का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, तो आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक वगैरह यहाँ पे यूज कर पाओगे, इनमें कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर अनटूटो यानी इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो हमेशा MIUI पे सेम स्कोर मिलता है 4.4 का, जबकि इस एंड्रॉयड 11 के फर्स्ट बीटा बिल्ड पे आपको मिल जाता है 397813। यहाँ पे स्कोर तो काफ़ी कम लग रहा है, लेकिन मैंने जितना भी यूज किया है मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है इसे यूज करते हुए, और काफ़ी स्मूथली है जो काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इसे ट्राई कर सकते हो डेली लाइफ के लिए, कि मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, बस फ्लोटिंग विंडो सम टाइम प्रॉब्लम करता है और सम टाइम फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स थोड़ा सा दिक्कत करता है, बट रैम मैनेजमेंट मुझे अच्छा लगा है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट का फीचर्स मिलता है जहाँ से सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट क्लिक करके शेयर कर सकते हो। और अगर आपका कोई थर्ड पार्टी ऐप है जिसे आप चाहते हो कि रोक दे, वो आपकी बैटरी ड्रेन ना करे, तो आप उसे स्टॉप भी कर सकते हो फ्री फॉर्म, और यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन वगैरह का भी आप बेनिफिट ले पाओगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कास्ट स्क्रीन वगैरह, नाइट लाइट, स्क्रीन रिकॉर्डर, जो कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों साउंड को रिकॉर्ड कर सकता है। और इसे ऑन करने के बाद मुझे सिस्टम में कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मैक्सिमम रिकॉर्डर यूज करते ही हमारा जो सिस्टम लैग करता है, बट ऐसा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया। तो आप इसके स्क्रीन रिकॉर्डर का भी बेनिफिट ले पाओगे, जितने फीचर से अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम आपको बहुत कम चीज़ों में देखने को मिलेगा, वो भी लॉन्गर और हैवी यूज पे। बट जितना भी मैंने यूज किया है, जो कुछ भी फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं वो प्रॉपर काम करते हुए नज़र आते हैं। और रही बात सपोर्टेड डिवाइस की, तो अभी सिर्फ Redmi के 5, Mi 8, Redmi K20, K20 Pro, Redmi का 5 Pro, Redmi Note 7 और Note 7 Pro और Note 7S, साथ साथ Mi का Mix 2S, Poco F1 और Redmi के Note 8 Pro के लिए ये Android 11 का पिक्सल अपडेट आ चुका है। तो आप इनमें से किसी भी एक डिवाइस के यूजर्स हो तो आप पिक्सल एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई डिफरेंट डिवाइस है तो आप पिक्सल एक्सपीरियंस के ऑफिशियल साइट को चेकआउट कर सकते हो, जहां पे आपको इसके डिटेल्स देखने को। Android 11 के साथ जब भी आप कोई भी वॉलपेपर यूज करते हो तो यहाँ पे आपको इसके होम लॉन्चर पे कुछ जूम का इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि आपके फोन के
काफ़ी अच्छा सा लुक प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जब भी मैं ऐप ड्रॉअर ओपन करता हूँ तो जो यहाँ पे वॉलपेपर है ये पीछे की ओर डाउन होता हुआ जाता है, यानी जूम इफेक्ट दिखाई देता है, जूम आउट और जूम इन का। तो आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड वॉलपेपर है जो पीछे की ओर डाउन जा रहा है कुछ इस तरीके से, और फिर से वापस लाने पर जूम इन हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जूम इन और जूम आउट देखने को मिलता है एंड्रॉयड 11 के ऊपर। आप कोई सा भी वॉलपेपर यूज करो, आपको हर जगह ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं लाइव वॉलपेपर के ऊपर आ जाता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे अप्लाई करता हूँ होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, तो इस पर भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे भी है। तो आप कोई भी वॉलपेपर यूज कर लो अपने होम स्क्रीन पे, आपको जूम इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। साथ साथ होम सेटिंग में जो लॉन्चर दिया गया है ये आपको वर्जन 11 देखने को मिलता है, जहाँ पे एट अ ग्लांस और बाकी अदर फीचर्स भी आपको दिखाई देते हैं। और आप चाहो तो होम स्क्रीन के लॉन्चर को भी रोटेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी परफेक्टली काम भी करता है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे चेंज किए गए हैं, जैसे कि आप अपने आते हो किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर, अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलता है। सेविंग का जो स्टाइल है ये चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे छोटे मोटे कई सारे आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इसे आप चाहो तो पिन भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, तो अब यहाँ पर जो रिसेंट टैब आपको शो करता था ये हट जाएगा, और इसे फिर से वापस लाना है तो आपको एक बार रिमूव कर देना है, उसके बाद फिर से आ जाएगा। आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन यूज करोगे उसके शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे एंड्रॉयड 10 का नेम बार है, जो कि एंड्रॉयड 11 में भी सेम देखने को मिलता है, तो ये अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे आप इसका फुल बेनिफिट ले सकते हो, फुल इंजॉय आप कर सकते हो। साथ साथ आप अगर इसे लॉन्गर यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभी ऐप सजेशन का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस टाइप से होगा। अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो आपका एक और लाइनिंग एक्स्ट्रा आ जाता है ऐप सजेशन का, जो कि होम स्क्रीन पर है, जिसे मैंने अभी इनेबल नहीं कर रखा है, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा है जो लुक प्रोवाइड करता है आपके फ़ोन के ऊपर। तो यहाँ पे जो कुछ भी चाहे सब कुछ मैंने कवर कर लिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स का यूज जरूर कर लेना। अब बात करते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज आप इसे इंस्टॉल नहीं कर पाओगे अपने रेडमी एम आई पोको के डिवाइस के अंदर, और फिर कहोगे भाई काम ही नहीं कर रहा है फाइल। तो स्विच करते हैं हम टी डॉलर पे की ओर। टी डॉलर पे ओपन होते ही आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका जो डिवाइस इनक्रिप्टेड है तो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो डेटा बैकअप आप जरूर ले लेना किसी भी डिवाइस के अंदर आप फ्लैश कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपका है जो डिक्रिप्ट है तो आपको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको वाइप पे आना है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी को सिलेक्ट करना है, बस इंटरनल को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद स्वाइप कर देना है, और कंप्लीट वाइप होते ही होम पे आना है, फाइल पे जाना है। मैं अभी कस्टमर रिकवरी ऑरेंज फॉक्स का यूज कर रहा हूँ, आपके लिए जो परफेक्ट टी डॉलर पे आपके डिवाइस का वो आप यूज कर सकते हो। अब आपको सबसे पहले एक फाइल की जरूरत पड़ेगी, जो कि FW जिसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं, तो इसे यूज करना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट डिवाइस के अंदर यूज कर रहे हो तो भी आपको ये जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप रोम को फ्लैश नहीं कर पाओगे, आपको एरर देखने को मिलेगा। तो आप अपने डिवाइस के लिए लेटेस्ट वर्जन यूज कर सकते हो। मैं K20 के लिए 12.0.1 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसके लिए परफेक्ट है। इसे सेलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है। इसके कंप्लीट फ्लैश होते हैं, अब आपको मेन फाइल को डाउनलोड करना है, जो कि आपने पिक्सेल एक्सपीरियंस के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। तो ये कंप्लीट फ्लैश हो चुका है, बैक पे टैप करना है। अब ये रहा पिक्सेल एक्सपीरियंस का ऑफिशियल बीटा अपडेट, जो कि सभी डिवाइस के लिए आ रहा है, जिनका मैंने आपको नाम बताया है। इसे सेलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद आपको वाइप करना है, ओके, और रिबूट पे टैप कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपका अगर डिवाइस इनक्रिप्टेड है तो आपको लास्ट में सब कुछ फ्लैश होने के बाद फॉर्मेट करना पड़ेगा, लेकिन आपका डिक्रिप्ट है तो आप सिंपली यहाँ पे रिबूट कर सकते हो, कुछ ही मिनट के अंदर आपका फ़ोन है जो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी MI का लोगो देखने को मिल रहा है, जल्दी यहाँ पे आपको गूगल का बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा, और इसके बाद आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। तो जो कुछ भी था सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो हमारे ग्रुप को, या कमेंट बॉक्स का आप यूज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।